हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त भरत सिंह आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आया हूं। तो साथियों, आज हम जानेंगे गुड डॉट प्रोटीज के 10 फायदे। सो गायस, वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी फुल मिलेगी। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहां मैं आपके साथ गुड डॉट प्रोटीन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। हम जानेंगे कि गुड डॉट प्रोटीज क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। साथ ही यह प्रोटीज बाजार में मौजूद अन्य सोयाबीन से कैसे अलग है। हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज आदि। अगर हम अपने भोजन में इन सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में लेंगे तो हमारे शरीर का विकास सही ढंग से हो पाएगा। इन सभी चीजों को उपलब्ध कराने के लिए गुड डॉट ये प्रोटीज बनाती है। आइए और अधिक प्रभावी ढंग से समझें। ये 100% शाकाहारी प्रोटीज है जो पोषक तत्वों, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर है। ये सोया प्रोटीन और सोया आटे से बनाया जाता है। ये हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करता है जिनकी हमें विकास के लिए आवश्यकता होती है। इसका आकार सोयाबीन जैसा होता है, जिसे सोया चंक्स भी कहा जाता है, और निश्चित रूप से दूसरों से अलग और स्वादिष्ट। जब उपयोगकर्ता इस भोजन का सेवन करते हैं तो उन्हें ये पसंद आता है और वे इसे पसंद करते हैं। इसमें बहुत सारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। आप इसे आमतौर पर सब्जियों के साथ बनाकर खा सकते हैं। अब आइए फायदे पर आते हैं, और यकीन मानिए यह उत्पाद सुपर फायदों के साथ एक अच्छा परीक्षण है। गुड डॉट प्रोटीज के कई लाभ हैं, लेकिन हम केवल कुछ विशेष लाभों पर चर्चा करते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। फायदे: यदि आपको हृदय की समस्या है तो आपको इस RCM उत्पाद का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा बहुत कम है। यह आपके लीवर के लिए भी फायदेमंद है। इसमें लेसिथिन नामक लिपिड होता है जो हमारे शरीर के ऊतकों की कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है तो आपको इस गुड डॉट प्रोटीज का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसमें मौजूद सोयाबीन आपका मानसिक संतुलन बनाए रखेगा। ये हाई ब्लड प्रेशर से निपटने में भी कारगर है। इसके सेवन से आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। ये कई तरह के कैंसर से भी बचाता है। सोयाबीन में मौजूद फाइबर कोलोरेक्टल और कोलन कैंसर के खतरे को कम करता है। इसमें मौजूद सोयाबीन हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। अक्सर बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए इसमें मौजूद खनिज हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और उनके जीवन को बनाए रखते हैं। सोयाबीन जन्मजात बीमारियों को भी कम करता है। अगर गर्भवती महिलाएं इसका सेवन करती हैं तो इसमें मौजूद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फोलिक एसिड भ्रूण के मानसिक विकास में मदद करते हैं। अनीमिया से छुटकारा पाने के लिए आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। इसमें उपलब्ध आयरन अनीमिया से छुटकारा पाने के लिए कारगर है। यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी उपयोगी है। इसमें मौजूद आइसोफ्लेवोन शर्करा रोगियों को राहत दिलाने में मदद करती है। ये पेट के कीड़ों को खत्म करने में भी कारगर है। तो ये थे इस अच्छे डॉट प्रोटीन के कुछ फायदे। लेकिन जब आप खाना पकाने की योजना बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक रेसिपी की आवश्यकता है। इसलिए अब मैं आपके साथ इस उत्पाद की रेसिपी साझा करता हूँ। अच्छी गुड डॉट प्रोटीन इज रेसिपी। अब हम RCM गुड डॉट प्रोटीज की सब्जी बनाएंगे जो इस प्रकार है। सबसे पहले RCM गुड डॉट प्रोटीज को किचन में लाएं और इसे लगभग 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। फिर बाकी सामग्री जैसे प्याज काटकर, जीरा, धनिया, मेथी, हींग, लहसुन, मिर्च आदि तैयार कर लें। भिगोने के बाद प्रोटीज का आकार बढ़ जाता है, इसलिए इसे कम मात्रा में ही लें। सबसे पहले तेल गर्म करें, फिर प्रोटीज के टुकड़ों को तब तक तलें जब तक कि प्रोटीज का रंग सुनहरा ना हो जाए। इसके बाद प्रोटीन के टुकड़ों को तेल से निकाल लें। इसके बाद दोबारा तेल गर्म करें और इसमें प्याज का मसाला भून लें। अगर आपको आलू पसंद है तो इसमें आलू डालकर अच्छी तरह उबाल लें। इसके बाद अंत में प्रोटीज के टुकड़े डालें। इसे करीब 15 मिनट तक पकाएं और गर्मा गर्म परोसें। तो यह मेरे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी रेसिपी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। अब हम इस उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और इसमें मौजूद पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। यह विभिन्न प्रकार की चीजों से बनाया जाता है, जैसे सोया आटा,
सोया प्रोटीन आइसोलेट, कॉर्न स्टार्च, वनस्पति तेल, बेकिंग पाउडर, खाद्य रंग, आटा, जई का आटा, मटर प्रोटीन, नमक और मसाले आदि। सभी सामग्री हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हैं और सभी खाद्य और सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं। यह उत्पाद उपरोक्त सभी चीजों को उचित मात्रा में मिलाकर बनाया गया है, इसीलिए यह इतना फायदेमंद है। ऊर्जा 348 किलो कैलोरी, प्रोटीन 52 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 31 मिलीग्राम, वसा 1 मिलीग्राम, सोडियम 689 मिलीग्राम, आयरन 19 मिलीग्राम, चीनी 7.9 मिलीग्राम, पोटेशियम 27.79 मिलीग्राम। गुड डॉट प्रोटीन पोषण तालिका। अब मैं ये साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि यह उत्पाद कैसे बनाया जाता है। बनाने की प्रक्रिया RCM गुड डॉट प्रोटीन पूरी तरह से हाई टेक कारखानों में बनाया जाता है, जहां केवल मशीनों से काम कराया जाता है और इसका निर्माण अनुभवी कर्मचारियों की देखरेख में किया जाता है। वे पूरी तरह से सफाई का ध्यान रखते हैं। उत्पाद तैयार होने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है और हर परीक्षण पूरा करने के बाद उसे RCMPUC के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। आइए जानते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले सोयाबीन और उससे जुड़ी जरूरी चीजों को करीब 12 से 14 घंटे तक भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद इसे मशीन में डालकर पीस लिया जाता है और बारीक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। अब इसमें हींग, जीरा, धनिया, मेथी, काली मिर्च, स्वादानुसार नमक आदि मसाले मिलाए जाते हैं। इसके बाद इसे मशीन में अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। एक बार जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके स्वाद की जाँच की जाती है। जांच के बाद मशीन इस सोयाबीन और चने के पेस्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू कर देती है। अब पेस्ट के इन छोटे टुकड़ों को सूखने के लिए ओवन में डाल दिया जाता है, जहां इसे उच्च तापमान पर सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसे पैकेट में पैक कर डिलीवर किया जाता है। बाजार में मिलने वाले ऐसे सोयाबीन चंक्स का तेल निकाल कर बनाया जाता है, जिससे उनके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और सिर्फ छिलके रह जाते हैं, जिन्हें आप बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन गुड डॉट आपके शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि आपको सभी पोषक तत्व मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ समस्याओं पर चर्चा करें। सोया प्रोटीन और आइसोफ्लेवोन से भरपूर आहार महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने के ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को रोकता है। इंग्लैंड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन्स नामक एक रसायन होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन के समान होता है और महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से बचाता है। महिलाओं में खानपान की कमी के कारण हड्डियों का कमजोर होना एक आम समस्या बन गई है, और बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर सोयाबीन को डाइट में शामिल किया जाए तो इस खतरे से बचा जा सकता है, इसलिए उन्हें इसका सेवन करना चाहिए। कुछ और तथ्य। किडनी में पथरी और किडनी से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को इसका सेवन कम करना चाहिए। कई बार सोयाबीन महिलाओं के एस्ट्रोजन हार्मोन की नकल करता है और महिलाओं में कई बीमारियों का कारण बनता है, इसलिए उन्हें भी इसका सेवन कम करना चाहिए। इसका असर पुरुषों में भी देखने को मिलता है। सोयाबीन से शुक्राणुओं का विकास रुक जाता है, इसलिए उन्हें भी इसका सेवन कम करना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सोयाबीन से चक्कर आ सकते हैं, इसलिए उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे इसका सेवन डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए। कीमत। गुड डॉट प्रोटीन की कीमत समय समय पर बदल सकती है, लेकिन ये असली कीमत है। हमारा दृष्टिकोण हमेशा आपको मूल अद्यतन मूल्य देना है। निष्कर्ष। अपने वादे के अनुसार मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। मुझे यकीन है कि उत्पाद अच्छा है और उसका परीक्षण मुझे हमेशा पसंद आया है। खरीदने और खाने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जानकारी सही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से आपको लाभ हुआ होगा। यदि आपके मन में इस अच्छे गुड डॉट प्रोटीन के बारे में कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी करें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ उत्तर दूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया हमारे चैनल BSRCM को सब्सक्राइब करें और इसे अपनी टीम के साथ साझा करें।